शुरू कर, वो है प्लानिंग। ये बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 है और इसका एग्जामिनेशन वेटेज आपको मैं बताऊं तो 6 से 10 मार्क है। अकेले इस चैप्टर से एग्जाम में 6 से 10 मार्क तक के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम अच्छे से इसको करना है हमको। समझना मेरी बात को, पढ़ने का पैटर्न बता दे रहा हूँ पढ़ेंगे कैसे, और आप भी इसी पैटर्न में पढ़ाई करोगे। हम पहले पढ़ेंगे प्लानिंग होती क्या है, मीनिंग, मीनिंग के बाद हम करेंगे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक, जैसा सीक्वेंस बता रहा हूं वैसी पढ़ाई करनी है समझो। स्टेप्स के बाद पढ़ेंगे हम लोग लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, फिर कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, ध्यान से मेरी बात को सुनना और अच्छे समझ लेना सब लोग, सब बता रहा हूं धीरे धीरे रुक जा। कंपोनेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग, और एट लास्ट इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इतनी चीजें हम लोग को पढ़नी है बेसिकली प्लानिंग चैप्टर में, ठीक है, इतने टॉपिक्स हैं। फिर आपको इसके नोट्स दूंगा जब आप एक बार पढ़ लोगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, तो अक्सर जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है स्टेप्स और लिमिटेशन को आता है, इसलिए इसको पहले बता रहा हूं, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फीचर से, हर एक फीचर को लेकर शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, ये 3 मार्क में और 4 मार्क में आते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस से बहुत कम आए, कभी कभी आया है तो 4 मार्क का इंपॉर्टेंस पूछा है, वरना नहीं पूछता। इस चैप्टर से मेनली जो बार बार आता है बेटा वो स्टेप्स आता है और लिमिटेशन आता है, वो ध्यान रखो 6 नंबर का आता ही आता है। ये ऐसी चीज है जो हर एग्जाम में आती है। रही बात कंपोनेंट की, तो पिछले साल सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया था, अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसमें से तुमको जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्टिंग्विश बिटवीन के आते हैं। जो 3 नंबर के होते हैं कॉम्पोनेंट से, और कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट्स पूछ देता है जो 4 मार्क्स ईच का होता है। अब आप बताओ आपको मेरी कही गई बात अभी तक समझ आई कि नहीं, चैप्टर में क्या करना है अपने को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस चैप्टर में क्या करना है आपको, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब सुनो, एक एक चीज सिखा रहा हूं ध्यान से सीखना। पहले हम प्लानिंग की मीनिंग पढ़ते हैं और फिर प्लानिंग का स्टेप्स पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। चलो जो लिख रहा हूं उस बात पे ध्यान दो। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना। प्लानिंग हमेशा याद रखना फ्यूचर की जाती है। थिंकिंग इन एडवांस अबाउट अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। ये पहले तो मीनिंग दिमाग में बिठा हुआ। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में सोच लेना कि भविष्य में हमको करना क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जहां पर आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अब आप हर ऑल्टरनेटिव के पीछे नहीं जा सकते हो, तो आप पहले से जब ये डिसाइड करते हो कि आपको बेस्ट क्या करना है फ्यूचर में, वो कहलाती है प्लानिंग। जैसे यहाँ पे अपन देते हैं एग्जांपल, आप अभी 12th में हो, तो आपको 12th के बारे में ना सोचकर आगे की सोचना चाहिए कि आफ्टर 12th क्या करोगे। तो अब आपके दिमाग में कई चीज चल रही है, कई लोग बैंकिंग की तैयारियों के पीछे जाएंगे,
कुछ लोग लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, क्लैट देंगे, कुछ लोग सीए करना चाहेंगे, कुछ लोग सीएस करना चाहेंगे, कुछ लोग सीएमए करना चाहेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल चॉइस क्या है, और यही जो होता है प्लानिंग कहलाता है। यहाँ पर इतने सारे ये जो है ऑल्टरनेटिव है। अब आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, आपको अपने लिए बेस्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना होगा। तो मेरी बात को यार आप सीख लो क्या बोल रहा हूं मैं। प्लानिंग मतलब होता है थिंकिंग, सोचना एडवांस में कि फ्यूचर में क्या करना है जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। अब आप बताओ आपको प्लानिंग का मतलब समझ आया कि नहीं आया? अब आप बताओ आपको प्लानिंग का मतलब समझ आया कि नहीं आया? बोलो। आपको प्लानिंग का मतलब समझ आ गया है, आप बोल रहे हो गुड। तो प्लानिंग में सिर्फ सोचना है, ये बात याद रखना, कुछ करना नहीं, सिर्फ सोचना है बैठे बैठे, ठीक। अब इसके स्टेप्स की बात करते हैं। प्लानिंग के स्टेप्स क्या है? एग्जाम में 6 मार्क का आता है जैसा कि मैंने बोला। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग? स्टेप नंबर वन, आपको प्लानिंग करना है ना तो पहले एक एम बना लो, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर प्लानिंग करनी है तो आपका स्टेप नंबर वन होगा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको एक एम बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बोलता हूँ आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है 12th में एक्सीलेंट मार्क्स लाना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब आगे आप बताओ क्या करूं, आगे क्या करें ये बताओ। स्टेप नंबर वन तो हो गया प्लानिंग का, आपको प्लानिंग करनी है ना, बढ़िया करो, ठीक। स्टेप नंबर वन हो गया, एक एम डिसाइड हो गया कि क्लास 12th में एक्सीलेंट मार्क लाना है। आगे क्या करें ये बताओ, आगे क्या करना चाहिए हमको? गुड। दूसरी चीज आप ये करो, आप प्लानिंग प्रीमाइसेस बनाओ, डेवलप प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब ये आप थोड़ा अच्छे से सीख लो। डेवलप प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब होता है एक अजम्पशन बनाना। अजम्पशन मतलब सोच होता है। अजम्पशन वेदर प्लान कैन बी अचीव्ड और नॉट। ये सोच लो कि जो सोच रहे हो अचीव कर भी पाओगे कि नहीं, क्योंकि जब तक खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक तो नहीं कर सकते। सपोज करो मैं मैथ्स स्टूडेंट हूं, आज तक मेरा क्लास 11th तक मैथ्स में कभी 33 नंबर के ऊपर नहीं आया है, कब भी नहीं आया। क्लास 1-11th में 33 नंबर के ऊपर नहीं आया है। 12th में मैंने ये डिसाइड किया है मेरा मैथ्स में 100 नंबर आ जाएगा। आपको क्या लगता है आएगा कि नहीं आएगा? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैथ्स में मेरे को 100 लाना है। अभी तक क्लास 11 तक सिर्फ 33 आया, बहुत कमजोर हूं मैथ्स में। आपको क्या लगता है आप आएगा कि नहीं आ पाएगा, हाँ या ना बोलो। सिर्फ अजीजा ने आंसर दिया, बाकी लोग हाँ या ना में जवाब दो। क्या कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि मेरा 100 मार्क आ जाए? अभी तक तो क्लास 11 तक 13 नंबर 33 नंबर इसी में लटकता था मैं, अब मेरे को चाहिए 100 मार्क, आ जाएगा क्या? सच तो यही है, प्रैक्टिकली नहीं आ सकता क्योंकि कमजोर हूं। तो आप जब बेटा कोई प्लान बनाते हो ना, कभी हवा हवाई प्लान मत बनाओ। आप एक प्रीमाइसिस बनाओ कि आपने जो सोचा है आप अचीव कर पाओगे कि नहीं। जैसे अभी तो मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं अंबानी को किडनैप कर लू, उसके घर जाऊंगा और किडनैप कर लूंगा। क्या ये इतना आसान है, पॉसिबल है क्या बताओ? मेरे जैसे एक आम आदमी क्या अंबानी को किडनैप कर सकता है क्या? सीधी सी बात है। तो क्या होता है, एम बनाना अलग बात होती है और सच में उसको पूरा कर पाना अलग बात होती है। तो सोचो उतना ही जितना कर पाओ। तो आप जैसे प्लानिंग कर रहे हो ना, सबसे पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट कर दो, और जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए तो अजम्पशन डालो कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपने अजम्पशन नहीं डाला, आप आसमानी सोच रखे कि हम सब कुछ दुनिया में कर सकते हैं, तो आप फेल हो जाओगे, याद रखना। जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करो तो ऐसा सेट करो कि अचीव हो। मैंने ऑब्जेक्टिव रख दिया कि मैं चांद पे घर बनाऊंगा,
आप बनाओ, लिटरली पॉसिबल है क्या? चांद पे घर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, तो अजम्पशन फेल है। तो सबसे पहले तो एम सेट करो, दूसरा अजम्पशन बनाओ कि वो चीज हो सकती है कि नहीं। अब आपने एम सेट कर दिया, अजम्पशन बना दिया, आपका एम क्या है? 12वीं में 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं। अजम्पशन ये, हाँ ला सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी चीज जो आप करो, अपने जो ऑल्टरनेटिव निकालो, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना, एक्सीलेंट मार्क लाने हैं। तो अचीव करोगे कैसे? सेल्फ स्टडी से आ जाएगा क्या? क्या कोचिंग जाना पड़ेगा? चीटिंग करके भी हो सकता है क्या इंतजाम? खाली स्कूल की पढ़ाई से भी हो सकता है क्या? कुछ ना पढ़ के भी हो सकता है क्या? विदाउट स्टडी हम इतने एकदम वो है, प्रतिभावान है कि बिना पढ़े भी हो जाए। ग्रुप स्टडी करे क्या दोस्तों के साथ? अब आप देख लो, आपका एम एक्सीलेंट मार्क लाना, आपके पास इतने सारे ऑब्जेक्टिव हैं। खुद से भी पढ़ के आदमी जा सकता है, कोचिंग भी जा सकता है, चीट भी कर सकता है, स्कूल की पढ़ाई से भी हो सकता है, बिना पढ़े भी आप जा सकते हो, कुछ कर दो कारनामा, जादू वादू हो जाए, ग्रुप स्टडी। तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव आपके पास हैं। अब आप क्या करो, हर ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करो, सबकी अच्छाई देखो और बुराई देखो, फायदा नुकसान देखो। सेल्फ स्टडी का फायदा नुकसान देखो, कोचिंग का फायदा नुकसान देखो, स्कूल की पढ़ाई का फायदा नुकसान देखो, चीटिंग का फायदा नुकसान देखो, सब क्या मेरिट एंड डीमेरिट निकालो। देखो पॉजिटिव क्या है, अच्छा क्या है हर अल्टरनेटिव में, और नेगेटिव क्या है। अब आपको जब पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ जाए, तो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव है उसको आप इंप्लीमेंट कर दो, कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे। चलो पहले बताओ इतनी बातें समझ आई कि नहीं? प्लानिंग का 6 नंबर है, स्टेप्स देख लो, ऑब्जेक्टिव सेट करे, 12वीं में बेहतरीन नंबर लाने हैं, अजम्पशन ये है कि आ सकता है, हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हैं बेहतरीन मार्क्स लाने के, खुद की पढ़ाई, कोचिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवेलुएट करो अच्छा एस्पेक्ट क्या है, बुरा क्या है, और फिर आपने जिस बात को सिलेक्ट किया उसको इंप्लीमेंट कर दो, अप्लाई कर दो। एट लास्ट फॉलो अप लो, एट लास्ट आप क्या करो, फॉलो अप लो। फॉलो अप लेने का मतलब होता है चेक करते रहो या मॉनिटर करते रहो कि आपने जिस बात को सिलेक्ट किया था आप उस पर पूरी तरह से टिके हुए हो कि नहीं हुए हो। मॉनिटर योर परफॉर्मेंस, ठीक है? जैसे आपने ये डिसाइड किया आप सेल्फ स्टडी करोगे, आपको उसी में ज्यादा फायदा दिखा, आप सेल्फ स्टडी करना भी चालू कर दिया, तो अब एक फॉलो अप लो, जितना सोचे वैसी सेल्फ स्टडी हो रही है कि नहीं, क्योंकि अगर हो रही होगी तभी प्लान अचीव होगा, वरना नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ आपको स्टेप्स समझ आए कि नहीं है? आपको स्टेप समझ आए कि नहीं? ऑब्जेक्टिव बनाओ, अजम्पशन बनाओ अचीव हो पाएगा कि नहीं, ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करो, इवेलुएट करो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, इंप्लीमेंट करो, और चेक करके देखो कि बेहतर है कि नहीं है। हैंड रेस करो भाई, समझ आया कि नहीं आया? फटाफट हैंड रेस करो। इवेलुएट करना मतलब अच्छा और बुरा देखना, आप सब तो नहीं कर सकते ना, पढ़ाई भी कर दो, कोचिंग भी चल जाओ, चीट भी कर दो, स्कूल में पढ़ दो, बिना पढ़े भाई एक ही चीज को तुम चूज कर सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट में तुम सबके अच्छे और बुरे एस्पेक्ट देख रहे हो, जैसे तुमने चीटिंग को ऑप्शन चुना है, तो पॉजिटिव तो ये है, तेज बच्चे की चीटिंग कर दी है तो तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव ये है कि अगर पकड़ा गए तो 2-3 साल तक एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो सबके अपने फायदे नुकसान देख दो ना हर एक अल्टरनेटिव के। और पांचवा पॉइंट है इंप्लीमेंट करना, जिसको आपने चुनना है अब उसको चुन लो, सबको आपने इवेलुएट किया है, सबका अच्छा और बुरा देखा, ठीक है? और आखिरी में फिर क्या किया, जो आपको सबसे अच्छा लगा उसको आपने चुन लिया। तो इवेलुएट करना मतलब अच्छा और बुरा देखना होता है, और इंप्लीमेंट करने का मतलब होता है जो चॉइस आपने करी है अब उसको सिलेक्ट आपने कर दिया, और फिर फॉलो अप करते रहो कि जो आपने सोचा था हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? अजीजा समझ आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। इवेलुएशन में हर एक अल्टरनेटिव का अच्छा और बुरा देखा, और इम्प्लीमेंटेशन में एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर दिया, बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? आधे तो थोड़ी देर बाद समझ लेना, ये इसकी रिकॉर्डिंग दे देना, ओके? तो यार ये हो गए आपके स्टेप्स, ठीक है? स्टेप के एग्जाम में 6 नंबर आते हैं, नोट्स दे दूंगा फटाफट पढ़ डालना, 6 नंबर से स्टेप्स आने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग,
ठीक है, आया तो करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक फोन उठा रहा हूँ, फिर बात कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा हूँ। चलो, स्टेप्स आपको लगता है समझ आ गए हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। यदि आपको स्टेप्स समझ आ गए हैं तो हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं। यदि आपको स्टेप समझ आ गए हैं तो हम लोग अगले कंसेप्ट पे आते हैं। हम लोग आते हैं लिमिटेशन के कंसेप्ट पे। इससे भी एग्जाम में 6 नंबर का आता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको करना है। जितना इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, उतना ही इंपॉर्टेंट याद रखना लिमिटेशन भी है, और इसको भी हमें उतने ही अच्छे से करना है जितना हमने स्टेप्स किया, ठीक है। लिमिटेशन मतलब प्लानिंग बनाने का नुकसान क्या है, प्लानिंग बनाने का नुकसान क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, जो मैं बता रहा हूँ वो आया तो यही लिखना रहेगा आपको लिमिटेशन में। सबसे पहला लिमिटेशन प्लानिंग का ये है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। आपको अगर ये बात नहीं समझ आई होगी तो आप ऐसे समझ लो, प्लान वंस मेड आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसे समझ आ जाना चाहिए। प्लानिंग का पहला नुकसान बन जाने के बाद इसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। एग्जांपल के तौर पे मेरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि 30 जून को हम कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए। बराबर बढ़िया टिकट विकेट बुक हो गई। अब हुआ क्या, 30 जून को बढ़िया हमारी पैकिंग वैकिंग हो रही है, अचानक से घर में गेस्ट आ गए, और ये ऐसे हैं कि अगर इनको हम ना बोल दिए जाओ जाओ तो बहुत बुरा मान जाएंगे, रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम फंस गए ना, गेस्ट को एंटरटेन करेगी, ट्रेन छूट जाएगी, कश्मीर जाए। आप बताओ, आप होते तो क्या करते, आप बताओ आप होते तो क्या करते। 30 तारीख को बढ़िया कश्मीर निकलना, टिकट विकेट बुक है, सुबह सुबह रिश्तेदार आ गए गांव वाव से, क्या करोगे अब, प्लान बदल पाएंगे क्या अपन, बताओ हाँ या ना। तो यही प्लानिंग के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है कि इसमें ना चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब या तो कैंसिल करना पड़ेगा तो हमारे पैसे का नुकसान, अब एक दिन में तो ट्रेन की टिकट भी रिफंड नहीं होती है, बहुत बड़ी दिक्कत है, तो हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो प्लानिंग के साथ इशू ये है कि जब आप पहले से प्लानिंग कर देते हो और सिचुएशन बदल गई ना जैसे, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये सबसे पहला, आपको सभी लोगों को समझ आया हाँ या ना करके बताओ मेरे को, हाँ या ना, फर्स्ट आपको समझ आया कि नहीं डीमेरिट या लिमिटेशन आया। दूसरी चीज जो प्लान के साथ इशू है मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो प्लान में रिजिडिटी आती है, दूसरे साथ जो प्रॉब्लम प्लान के साथ है वो ये है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अब आप मुझसे पूछोगे डायनामिक एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। प्लानिंग वही काम कर सकती है जब सब कुछ अच्छा है, अगर एनवायरनमेंट डायनामिक है तो प्लानिंग काम नहीं कर सकती। एग्जांपल आपको दे रहा हूं समझना, आप स्टॉक एक्सचेंज में प्लान करके नहीं उतर सकते, क्या प्लानिंग करोगे शेयर बाजार में, हर 2 मिनट में कभी शेयर का रेट बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ये तो प्योरली एक तरह की गैम्बलिंग है। तो यहाँ पर अगर आप प्लानिंग करने जाओगे आप फेल हो जाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है जो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है, यू नेवर नो आगे जाके क्या हो जाए। सिमिलरली मैं बोलता हूँ हमारे दुनिया में बहुत सारी अनस्टेबल कंट्रीज है, जैसे सीरिया पहले बहुत अच्छा देश हुआ करता था ये, लेकिन अब वहां पे सिविल वॉर चल रहा है। तो आज की डेट में एक बात बताओ, वहां पे बिजनेस प्लान किया जा सकता है क्या, वहां पे बिजनेस प्लान किया जा सकता है क्या, आप बताओ। सीरिया में अभी बहुत भारी युद्ध चल रहा है, क्या हो जाए, कल जिंदा भी कोई रहे पता नहीं है, वहां बिजनेस प्लान हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। कारण क्या है, डायनामिक एनवायरनमेंट है। आप यहाँ फैक्ट्री डाले, बम गिरा, फैक्ट्री खत्म। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा, प्लानिंग करने से रिजिडिटी आती है, मतलब एक बार प्लान बना दिए तो बहुत मुश्किल होता है उसको बदलना।
दूसरा प्लानिंग वही कहाँ ठीक होता है जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो। अगर डायनामिक एनवायरनमेंट है, सिचुएशन बदल रही है, तो प्लानिंग वर्क नहीं करेगी, आप कितना भी कोशिश कर दो। तीसरी बात, प्लानिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है? सबके बस की बात नहीं है एक अच्छा प्लान बनवा देना, बहुत पैसा भी लगता है, बहुत खर्चा भी आता है। जैसे आज कोका कोला अगर एक ऐड बनाएगा ना, ऐड के पीछे कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए लगता है उसका, एक ऐड प्लान करने में। बड़े एक्टर्स को लाना, टैग लाइन क्या होने चाहिए, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जब प्लानिंग करती है तो बहुत पैसा और टाइम लगता है। तो आम आदमी के बस की बात नहीं है इतना पैसा खर्चा करना और इतना टाइम लगाना, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है प्लानिंग के साथ। तीन दिक्कतें देखो, प्लानिंग से रिजिडिटी आती है, प्लानिंग को बदलना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता जहां सिचुएशन बदलती जाती है। प्लानिंग में खर्चा और पैसा बहुत लगता है, ठीक? अब वो नहीं पता भाई अमन मेरे को, खर्चा और पैसा बहुत लगता है। तो आम आदमी के बस की बात नहीं कि उतना टाइम और खर्चा कर सके। चौथा, प्लानिंग का नुकसान यह है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कर देने का मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिली जाएगी, ठीक है? फ्यूचर में क्या हो रहा है किसको क्या पता। आज मैंने सब कुछ अच्छा प्लान किया हुआ है, पैसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है? कल को मेरा प्लान है सुपर रिच बनने का, उस हिसाब से मैं पैसे लगा रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ। आगे जाके क्या हो जाए, कौन क्या बोले। अभी लॉकडाउन लगा, हालत खराब हो गई लोग की फाइनेंशियली। तो प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है, क्योंकि भविष्य बदलता है। आप प्लान करते हो ताकि आगे चीजें ठीक रहे, और आप ये मान लोगे कि आपने प्लानिंग करी थी तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सक्सेस की गारंटी नहीं है प्लानिंग करना। आप कितना भी प्लान कर दो, आपसे भी बड़ी चीजें दुनिया में हो रही हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं होता है, कई बार प्लान फेल भी होते हैं। देखो, लेट अस रिपीट, सबसे पहला प्लान को बदलना बहुत मुश्किल है, रिजिड है। दूसरी बात, ये डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता जहां सिचुएशन बदलती रहती है, जिसमें कॉस्ट एंड टाइम बहुत लगती है, और प्लानिंग सक्सेस गारंटी नहीं करती है। सक्सेस गारंटी करने का मतलब ये कि आप प्लानिंग कर भी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हाईली सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है ओन थिंकिंग, खुद की सोच। ओन थिंकिंग या खुद की सोच को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज एक मान लो बिजनेस चल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो इसको चलाने का सिस्टम क्या रहता है, एक मैनेजर है और उसकी बात सुनने वाले बहुत सारे वर्कर हैं। तो प्लानिंग कौन करता है बताओ, मैनेजर की वर्कर? प्लानिंग कौन करता है, मैनेजर की वर्कर? फटाफट बोलो, प्लानिंग कौन कर रहा है, मैनेजर की वर्कर? सीधी सी बात है। तो दिमाग किसका चल रहा है, दिमाग किसका चल रहा है, मैनेजर का। ये सोचता है, ये क्रिएटिव है, ये जो ऑर्डर देगा आई क्लोज करके आंख बंद करके इन वर्करों को फॉलो करना है। मतलब ये जॉम्बी की तरह है, रोबोट की तरह है, इनका खुद का कोई दिमाग नहीं है। जो मैनेजर ने बोल दिया उस बात को इनको फॉलो करना होगा। तो प्लानिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि प्लान्स मैनेजर बनाता है, बाकी वर्करों को आंख बंद करके उस प्लान को फॉलो करना होता है। तो इससे इनका दिमाग नहीं चल पाता, क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। आपको पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? क्रिएटिविटी मतलब खुद की सोच। मैनेजर जब प्लान बना देता है तो बाकी लोगों को सिर्फ प्लान को आंख बंद करके फॉलो करना होता है, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, खुद की सोच खत्म हो जाती है, आदमी जॉम्बी बन जाता है। देख लो, सीख लो, प्लानिंग रिजिडिटी लाता है, डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता, कॉस्ट एंड टाइम बहुत लगता है, सक्सेस की गारंटी नहीं है, और क्रिएटिविटी आपकी सोच को कम करता है। आप आंख बंद करके जब प्लान फॉलो करना चालू करते हो तो आपकी सोच काम नहीं आती। फिर लास्ट थिंग, प्लानिंग इज नॉट एक्यूरेट।
प्लानिंग से आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। अभी बढ़िया आप अकाउंट्स का पेपर की तैयारी कर रहे हो ट्वेल्थ बोर्ड के हिसाब से, आपका तो टारगेट है बराबर आपके प्लान के हिसाब से 100 में 100 आ जाएगा, पर आगे क्या होगा किसको क्या पता, पेपर कैसा आ रहा है, पेपर टफ आ गया तो थोड़ा नंबर कम हो जाएंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आपने प्लानिंग करी है तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। कई बार रिजल्ट कम भी हो सकता है, कई बार ज्यादा भी हो सकता है, कई बार रिजल्ट इस बार कैंसल नहीं होना चाहिए। थर्ड वेव आ गई तो नहीं बोल सकते, पर नहीं कैंसल होना चाहिए बेटा, बहुत नुकसानदायक है ये। होगा तुम लोग का बोर्ड का एग्जाम, होगा 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 तुम लोग का बोर्ड होगा, और दो वो भी अपने आप में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो समझिए इस बात को, प्लानिंग ना बेटा एक्यूरेट नहीं हो सकती। आप जो सोचे हो एग्जैक्टली उतना हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, अजम्पशन लगा सकते हो। एग्जाम मार्च में ही होगा, होगा तो मार्च में ही होगा, मार्च में ही होगा। आप बताओ आपको लिमिटेशन से समझ आ गए कि नहीं आ गए, हाँ या ना? आप बताओ आपको लिमिटेशन समझ आ गए कि नहीं आ गए? अब ना थोड़ा सा मेरी बात समझ लेना तुम लोग। ये हो गया जितना ही पढ़ना था, स्टेप्स और लिमिटेशन काफी है। अभी तुम लोग दो तीन चीज कर रहे हैं हम लोग। ये सैटरडे जो है आने वाला सैटरडे, उसमें तुम्हारा 1 आवर का एक सेशन है। मैंने पहले भी तुम लोग को बोला था इस पे मैं रखने वाला हूं। इसमें पहला सेशन हम रखेंगे हाउ टू राइट आंसर्स एंड अटेम्प्ट ट्वेल्थ बोर्ड। आंसर कैसे लिखे ट्वेल्थ बोर्ड का, अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। और दूसरा सेशन हम रखेंगे कि आप अगर सीए सीएस और सीएमए करना चाह रहे हो तो इसका आपको मैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं इस सैटरडे को। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, फीस कितनी होती है, सारी चीजें इस दिन बताऊंगा। तो आप सारे लोग इसको आप अटेंड करोगे, ठीक है, दोनों सेशन को, ठीक है। दूसरी चीज सुनो, अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक मैं आपको इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट दे देने वाला हूं। 5 टॉपिक दूंगा मैं आपको, 5 टॉपिक्स दूंगा। आप उन 5ों में से किसी एक टॉपिक पे बना देना। ये आपका प्रोजेक्ट एग्जाम में 12 नंबर का है बोर्ड में। आप इसको जून के जुलाई के महीने में बना देना, ठीक है। ये अगले हफ्ते आपको मैं टॉपिक दे दूंगा 5। मेरे को आपको सबमिट नहीं करना है, आप मेरे को सबमिट नहीं करोगे, बस कंफर्मेशन दोगे कि आपने बना लिया यार। कंफर्मेशन मेरे को 31 जुलाई के पहले चाहिए होगा। आपको इसका कोई पीडीएफ नहीं जमा करना है, स्कूल में कोई फाइल आके नहीं जमा करनी है, अपने पास बना के सेव रखना है और मेरे को ये 31 जुलाई के पहले करके देना। इसीलिए अभी बनवा दे रहा हूं बेटा। वो क्या होता है जनवरी वनवरी में बनाओ ना, वो आयन बोर्ड आने वाला रहता है, उस टाइम तुम लोग सब झंझट में फंसोगे तो दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूं अभी से बना के अपने अपने पास रख लो। 5 टॉपिक दे दूंगा, कोई भी एक टॉपिक को उठा देना, प्रैक्टिकल और वाइवा ना तुम्हारा जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में होता है। अब इस टाइम बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि प्रोजेक्ट भी बनाना है, वाइवा की तैयारी भी करनी है। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग ना थोड़ा एडवांस में चलते हैं। अभी जुलाई के महीने में अपन क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बना के अपने अपने घरों में रख लेते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है, शीट सामने क्या लगानी है, सब बताऊंगा मैं तुम लोग को टॉपिक देते टाइम। लेकिन ये जुलाई के महीने में अपन कर देंगे और सिमिलरली अगस्त के महीने में बीएसटी का बना देंगे, अगस्त के महीने में बीएसटी का बना देंगे। होता यही है बेटा, जो प्रोजेक्ट में आप टॉपिक चूज करते हो वाइवा उसी से ही पूछती है टीचर्स आके। थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं बट अक्सर यही होता है, जो प्रोजेक्ट है वही वाइवा है। अगर आपका प्रोजेक्ट मैंने आपको जीएसटी पे दे दिया बनाने, मान लो, तो आपसे क्वेश्चन में वाइवा में टीचर जीएसटी के ही सारे पूछेगी। तो क्या होगा, आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे इसकी तैयारी के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा ना। तो आप ना जुलाई के महीने में तैयार रहो, ये करना है। अगले हफ्ते में टॉपिक दे देने वाला हूं आपको 5, ठीक है। और अगस्त के महीने में बीएसटी कर देंगे हम लोग।
अगस्त के महीने में बीएसटी का टॉपिक दे दूंगा, अगस्त में बीएसटी बना के रखे रहो, बाद के झंझट से बचे रहेंगे अपन, ठीक है। और इस पे सिर्फ मेरी सुनना और कहीं कोई इंस्ट्रक्शन मत सुनना कि ये भेजो ये ना भेजो, कुछ नहीं करना, बना के घर में स्पाइरल करके रख देना, ठीक है। ना कोई पीडीएफ भेजना, कोई दुनियादारी, बस मेरे को बता देना कि बना दिए, बात खत्म है, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए मेरी बात को? हाँ या ना बोलो, हैंड रेस करो, मेरी बात क्लियर है, क्या करने वाले हो? इकोनॉमिक्स का एक बनाएगा, बीएसटी का एक बनाएगा, इंग्लिश का एक बनाएगा, अकाउंट्स का एक बनाएगा। मैं इकोनॉमिक्स और बीएसटी पढ़ाता हूं तो एक इको का बना देना जुलाई में भैया, और बीएसटी का एक अगस्त में बना देना तू, ठीक है। मैं अपने बनवा के रखवा दे रहा हूँ ताकि बाद में झंझट ना हो ना, बहुत चकलदस काम है, आपके दिन खराब होंगे बेमतलब, अभी से बना देते हैं इसको, ठीक है। चलो ये कर रहे हैं अपन।